हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जिन भी स्टूडेंट्स ने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया है। तो गाइस, ये वीडियो रहेगी सभी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ सभी स्टेट्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ ली गई है, मार्क्स वर्सेस रैंक लिया गया है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, जो आपका एडमिशन होगा तो मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन नहीं होता, रैंक के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो मार्क्स के बेसिस पर आपका रैंक डिसाइड किया जाता है और रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा, स्कोर कार्ड के साथ साथ आपका रैंक आने वाला है। तो गैज, ऑल इंडिया रैंक है, तो यहाँ पर सभी स्टेट्स की कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहने वाली है, गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या रहेगी। यदि आप गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अब गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इससे पहले गाइस, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, एडमिशन काउंसलिंग, कोई भी ऑफिशियल नोटिस हो, उन सबसे रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू मिलेगी। अब देखिए, हम बात करते हैं मार्क्स वर्सेस रैंक की। यहाँ पर सभी स्टेट्स की बात की जाएगी। तो देखिए गाइस, यहाँ मैंने टेबल क्रिएट की है। सबसे पहले है तेलंगाना स्टेट, ठीक है। तो तेलंगाना स्टेट, ये मैंने जो रैंक लिए है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट जो रैंक है, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। लास्ट इस रैंक तक एडमिशन पॉसिबल है, आफ्टर दैट पॉसिबल नहीं है। तो तेलंगाना स्टेट के अंदर अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है वो 54,000 क्लोजिंग रैंक तक आपका जाने वाला है। इससे अबो यदि आपका रैंक आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 93,000 एक्सपेक्ट किया गया है गाइज। एससी कैटेगरी 1,28,000 एंड एसटी कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग रैंक 88,000 तक माना गया है। लास्ट क्लोजिंग रैंक का मतलब है कि लास्ट एडमिशन जो रहेगा वो इस रैंक तक के स्टूडेंट का ही रहेगा। इसके बाद अगर किसी का रैंक आता है तो उनको सोचना भी नहीं है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम अगर बात करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक मानी गई है तेलंगाना स्टेट के अंदर, वो मानी गई है आपकी 63,000, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 1,19,000, एससी कैटेगरी 1,29,000 एंड एसटी कैटेगरी 1,09,000 तेलंगाना स्टेट के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक मानी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट की, तो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 42,000 मानी गई है, कि 42,000 जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का यदि यहाँ तक रैंक है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट कोटा के थ्रू इजीली मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है 91,000, एससी कैटेगरी 1,00,000 और एसटी कैटेगरी 1,30,000 तक लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है। अब आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर ही हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गाइस, सेमी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड जो लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है वो माना गया है 50,000। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी को देखा जाए तो ओबीसी कैटेगरी की लास्ट जो क्लोजिंग रैंक माना है वो माना है 1,23,000 एंड एससी कैटेगरी 1,20,000, एसटी कैटेगरी 1,56,000 तक एक्सपेक्टेड माना गया है गाइस। नेक्स्ट हम अगर बात करें केरला स्टेट की, तो केरला स्टेट के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए गाइस, मैं स्टेट कोटा की बात कर रही हूँ। आप सभी को पता है दो टाइप का रिजर्वेशन होता है, एक होता है ऑल इंडिया कोटा, एक होता है स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा का जो रिजर्वेशन होता है वो 15% होता है और स्टेट कोटा का रिजर्वेशन होता है 85%। तो गाइस, जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है उनकी कट ऑफ बहुत हाई होती है, उनका क्लोजिंग रैंक भी हाई होता है, ठीक है। तो वो अगर आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो आपको नहीं सोचना है, क्योंकि स्टेट कोटा में 85% का रिजर्वेशन है तो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो आपके स्टेट के अंदर कितने कॉलेजेस है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, ये सब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा।
अब देखिए, हम सबसे पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो चुका है। हम केरला स्टेट की यदि बात करें तो केरला के अंदर यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए स्टेट कोटा के थ्रू यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो जो लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है जनरल कैटेगरी का वो माना गया है 980। एससी कैटेगरी का माना गया है 24,947। इस रैंक तक स्टूडेंट का एडमिशन पॉसिबल है गवर्नमेंट कॉलेज में। एसटी कैटेगरी की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए केरला स्टेट के लिए एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है 27,500। इस रैंक तक के स्टूडेंट का केरला में गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात की जाए गाइस, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मानी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 6,000 रैंक तक का स्टूडेंट अगर है केरला के अंदर तो उनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही गाइस, अगर बात की जाए एससी कैटेगरी की तो 17,845 एक्सपेक्टेड माना गया है। एसटी कैटेगरी का माना गया है 29,547। नेक्स्ट गाइस, अगर बात की जाए महाराष्ट्र स्टेट की तो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जाए गाइस, यहाँ पर मैंने रैंक लिया है। अब कितने मार्क्स तक क्या रैंक आ सकता है उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज जिन भी स्टूडेंट्स का रैंक 35,000 तक है जनरल कैटेगरी के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में, तो स्टेट कोटा के थ्रू उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो 40,000 क्लोजिंग रैंक तक मानी गई है। एससी कैटेगरी 1,15,000 एंड एसटी कैटेगरी 2,70,000 तक एक्सपेक्टेड माना गया है। नेक्स्ट, अगर गाइस हम बात करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जनरल का जो एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है वो माना गया है 1,00,000। ओबीसी गाइस 1,50,000, एससी 1,70,000 एंड एसटी कैटेगरी में माना गया है 3,70,000 तक के स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम कर्नाटका स्टेट की बात करें तो कर्नाटका स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए मानी गई है 78,000 तक जिन स्टूडेंट्स का रैंक है कर्नाटका स्टेट में उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओबीसी का एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है अप टू 1,00,000 एंड एससी कैटेगरी 1,30,000 एंड गाइस एसटी कैटेगरी के लिए 1,20,000 एक्सपेक्टेड माना गया है। अब अगर हम बात के करें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की, तो कर्नाटका स्टेट के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 1,00,000 रैंक तक माना गया है कि जिन स्टूडेंट्स का रैंक इतना होगा उनको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कर्नाटका में अलॉट हो जाएगा स्टेट कोटा के थ्रू। ऐसे ही ओबीसी का एक्सपेक्टेड माना गया है 1,30,000, एससी कैटेगरी 2,30,000 एंड एसटी कैटेगरी माना गया है 1,20,000 तक। अब नेक्स्ट गाइज, हम बात करें बिहार स्टेट की, तो बिहार स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 20,000। जिन स्टूडेंट्स का रैंक जनरल कैटेगरी के अंदर 20,000 तक है तो उनको बिहार स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज इजीली अलॉट हो जाएगा। ऐसे ही गाइज, अगर हम बात करें एससी ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड लास्ट क्लोजिंग रैंक माना गया है वो माना गया है 21,000। एससी कैटेगरी का गाइस माना गया है 1,25,000 एंड एसटी कैटेगरी का माना गया है अप टू 1,00,000। तो यहाँ तक जिन स्टूडेंट्स का रैंक होगा उन स्टूडेंट्स को इजीली गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब गाइज देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट्स लिए हैं, ये मैंने वो मोस्टली स्टेट लिए हैं जिन स्टेट्स के स्टूडेंट्स ज़्यादातर मेरी वीडियो देखते हैं। तो गाइज, जिन भी पर्टिकुलर स्टेट का आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, और बाकी जो स्टेट बचे हैं वो ऐड मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो आप नहीं देखते हो, तो एक और वीडियो मैं बहुत जल्द डालने वाली हूँ, ठीक है, फुल डेटा के साथ, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा।
और जिन भी पर्टिकुलर स्टेट की चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। गाइज वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइज। ओके थैंक यू।